आज से चंद महीने पहले जब देश में चुनावी शोर था, उस वक्त विपक्ष का जो सबसे बड़ा हथियार सत्ता के खिलाफ काम कर रहा था वो था रोजगार का मुद्दा। मोदी सरकार को इसका नुकसान तो हुआ, लेकिन तीसरे टर्म में अब सबसे ज्यादा फोकस मोदी 3.0 का इसी पर है, ये साफ हो गया है। तीसरे टर्म के पहले बजट में बंपर नौकरियों का खाका खींचा गया है। सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट जॉब्स और एमएसएमई से लेकर डेली वेजर्स तक के लिए इस बजट में काफी कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बजट ने विपक्ष से उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया हो। लेकिन बात युवाओं और बड़े वोट बैंक से जुड़ी है तो सीधा विरोध जाहिर नहीं होगा। ऐसे में राह थोड़ी अलग चुनी गई है और इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया गया है। राहुल हो या अखिलेश, ममता हो या राबड़ी देवी, कोई इसे झुंझुना बता रहा है तो कोई चुनावी बजट कह रहा है तो कोई इसे दो दलों को संतुष्टिकरण करने वाला बजट बता रहा है। अब सवाल है ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बजट में अगर किसी को सबसे ज्यादा कुछ मिला तो वो है बिहार और आंध्र प्रदेश। जाहिर है इन्हीं दो राज्यों की दो पार्टियों के भरोसे केंद्र सरकार को बहुमत हासिल है। ऐसे में उनकी शर्तें पहले से साफ थीं। दूसरी बात यह कि बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में इसे इस चश्मे से भी देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई में इस बजट के जरिए सत्ता की कुर्सी को डामाडोल होने से बचा लिया है, या फिर विपक्ष के बेरोजगारी वाले सबसे बड़े नैरेटिव को इस बजट से तोड़ने की कोशिश हुई है और विपक्ष को इसी बात का मलाल है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज बजट पर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से क्या रिएक्शन आए। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। ये बजट नाउम्मीदी का है और जिस तरीके से कहा गया कि इससे बहुत सारे लोगों का भविष्य बनेगा, उम्मीद का बजट होगा, 11वां बजट होगा, तीसरे टर्म का पहला बजट होगा, ये नाउम्मीदी का पुलंदा है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है आप जानते हैं। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। इस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। तो सत्ता पक्ष जहां इसे प्रगतिशील भारत की झलक बता रहा है, 2047 का विजन इससे पूरा होगा, ये बातें कही जा रही हैं, तो विपक्ष को इसमें सिर्फ और सिर्फ खामियां ही नजर आ रही हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ है खास मेहमान प्रेम शुक्ला जी, हमारे साथ है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी अरविंद वाजपेयी, हमारे साथ हैं प्रवक्ता LJPR GM शाहीन साहब हैं, नेता JDU, इसके साथ ही साथ हमारे साथ किशोर तिवारी हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, और कंचना यादव हैं प्रवक्ता RJD। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम शुक्ला जी आप ही से शुरुआत करूंगी। कहा यह जा रहा है इस बजट को लेकर सत्ता की कुर्सी चरचरा रही थी, तो आप लोगों ने पाया ठीक कर लिया। ये सत्ता लोलुपों को सत्ता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब को समर्थ बनाने, युवा को जो है रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम देने, अन्नदाता किसान को सशक्त करने और नारी की सामाजिक स्थिति का उत्थान करने की दृष्टि से इस बजट को जनता के समक्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक व्यापक रोड मैप के रूप में, एक बुनियाद के रूप में इस बजट को पेश किया है। 48,20,000 करोड़ रुपए इस बजट में विविध योजनाओं पर खर्च करने की योजना है। 2,00,000 करोड़ रुपए जो है सिर्फ युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से प्रावधान किया गया है, जिससे जो है जिस तरह का प्रावधान, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम का प्रावधान आज तक
कभी किसी अन्य बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया। जिस तरह से कोविड के काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अकेले व्यक्तित्व हैं समग्र विश्व में, जिन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए जो जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसको जो है उसके लिए जिस तरह से PLI जैसे देते हैं, उस तरह से उनको इंसेंटिव देने के कारण इस देश में रोजगार उत्पन्न हुआ। और आपको ध्यान होगा 2022-23 और 23-24 में 6 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न हुए, ये भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है। तो इसका परिणाम जो है सारे पूरी दुनिया में महंगाई की दर बढ़ी हुई है, भयंकर रोजगारी के दौर से अमेरिका यूरोप जैसी अर्थव्यवस्थाएं जिस समय जो है संघर्षरत है उसमें भारत में 6 करोड़ रोजगार उत्पन्न। प्रेम शुक्ला जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, इसे भी अपना ही क्रेडिट ले रही है विपक्ष जो है, खासकर जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर कह रही है कि ये तो हमारा ही घोषणा पत्र है जिसे BJP ने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। दरअसल क्या है ना, बालक बुद्धि के लोगों को दूसरों का संकल्प पत्र पढ़ने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को कृपा करके बालक बुद्धि के जितने भी सलाहकार हैं पढ़ ले, उसमें स्पष्ट। और इसको तो हमने जो है, मैं बता रहा हूँ ना, कोविड काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देने का प्रावधान किया। इस योजना का पायलट तो कोविड काल में ही कर लिया गया था, ठीक। लेकिन जिन्होंने कभी, आप 1991 से लेके 2012 तक कुल रोजगार कितने उत्पन्न हुए इस देश में फॉर्मल सेक्टर में, 6.2 करोड़। 91 से जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 वर्ष का शासनकाल भी था, जो सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि का और रोजगार देने वाला कार्यक्रम था। इनके 10 वर्षों के शासनकाल में कितना रोजगार हुआ उत्पन्न, 2.6 करोड़। रोजगार ही नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, प्रदीप भाटी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और ज्योत्सना तिरुनागरी जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता TDP। अब जवाब प्रदीप जी आप लोगों को देना है। अब कहा यह जा रहा है कि विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया ये मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, इसीलिए बजट बुरा लग रहा है। नहीं, अगर आपको ये लगता है कि रोजगार के इन्होंने बहुत अवसर पैदा कर दिए हैं, वो तो हमने पूत के पांव पालने में देखे हैं। पिछले 10 साल में किस तरह से रोजगार इन्होंने 10 करोड़ रोजगार युवाओं को दिया और उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में इन्होंने भुगता भी। लेकिन मैं उनकी तरह कुछ ऐसे अपने विपक्ष के नेताओं के लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा जिस शब्द का इनकी पार्टी इनके संस्कार दिखा बताती है। प्रेम शुक्ला जी की आप ये बताइए कि अगर रोजगार में, देखिए आप बीच में मत बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बात कर रहे हैं। संस्कार क्या, कौन सा गलत शब्द बोला मैंने? आप बाल बुद्धि बोला, आप बाल बुद्धि बोल रहे थे, किसी सम्मानित मान, किसी मानने, किसी मान, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, चिल्लाने को हम भी चिल्ला सकते हैं, बीच में मत बोलिए, चुप करिए, कुछ भी बोलेंगे, चुप करिए, बीच में मत बोलिए, मुझे बोलना पड़ेगा, बीच में बदतमीजी करते हैं, किसी के स्तर पर नहीं, आप चुप करिए, बीच में मत बोलिए, बात सुनने दीजिए, शालीन तरीके से बात होने दीजिए, आप शालीन व्यक्ति हैं, शालीन तरीके से बात होने नहीं देते, दोनों की आवाज कम करानी पड़ेगी, लेकिन प्रदीप भाटी जी और प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी बात शालीनता से बात होने दीजिए, प्रेम शुक्ला जी से बात ज्यादा करना ठीक नहीं है। बोलिए प्रदीप जी, मैं बदतमीज कह रहा हूं। अरे सुनिए, मैंने बदतमीज आपको नहीं बोला, आपको सुनने में कोई गलती है, मैंने आपको बदतमीज नहीं बोला, मैंने बोला शालीनता, दोनों शब्दों में फर्क। अच्छा सुनिए, आप बहस का हिस्सा नहीं है, आप थोड़ी देर चुप करिए, जवाब नहीं देंगे। आइए बजट पर आते हैं। अच्छा सुनिए प्रेम शुक्ला जी, अगर प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि रोजगार इतने पैदा कर दिए हैं, तो आप डेटा क्यों नहीं जाहिर करते? आपने RBI को डेटा देने का दिया, पहले सरकार डेटा दिया करती थी प्राची जी, सारे डेटा सरकार दिया करती थी, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो कहा आप इम्प्लॉयमेंट का डेटा दीजिए, लेकिन क्या है कि वादे बड़े और दर्शन छोटे। इन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी वादे किए किसानों के लिए, एग्रीकल्चर में हम इतना बड़ा रिफॉर्म लेके आ जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे में क्या निकला, घोड़ा पहाड़ निकली चुहिया, एक 1.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ है, कल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के पढ़ लीजिएगा शुक्ला जी।
और उसके अगर इस आंकड़ों के देखें और बजट कितना 1,25,000 करोड़ 2023-24 का और इस बार 1.5 लाख करोड़। आप कुछ भी आपने मन से सुबह उठिए और कई लाख करोड़ का अपना हिसाब लिखिए और बता दी। आपका भ्रष्टाचार नहीं बताना है देश को, बताना है देश के लिए आपने कितना सही में आंकड़े दिए। आप लोगों का मेन कंसर्न क्या बात है? बहुत सारे मुद्दे बस एक मिनट क्योंकि सबसे एक एक कॉमेंट सबसे पहले लेना चाह रही हूँ। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप लोगों का मेन कंसर्न क्या था? आप चाहते थे ना बेरोजगारी खत्म हो, सरकार रोजगार की बात करे, नौकरी सृजन हो, ये लोग तो आप भी चाहते थे। जी बिल्कुल चाहते थे, लेकिन हो वो आप सिर्फ बातें करेंगे। मैंने वही तो कहा कि आप बातें बड़े बड़ी करते हैं और आपके दर्शन छोटे हैं। जो भी आप हम आपसे आंकड़े मांगते हैं तो आप क्या आंकड़े देते हैं? ईपीएफओ कि वहां पे देखिए क्या हुआ है। अच्छा, आपको हमने यकीन नहीं? हमने गाड़ियां कितनी खरीदी? अच्छा, हमने ठेले कितने लगाए? हमने पकौड़े कितने बनाए? अच्छा, रोजगार सृजन कर लिया। यानी कि आपको आप, ये यकीन आप नहीं देश है? को इस तरह से चलाते हैं क्या जी, देश में सरकार? मैं इसीलिए आपसे छोटे-छोटे सवाल ले रही हूं ताकि विपक्ष की बात आ जाए, क्योंकि सब किसी भी सब अलग अलग बात कर रहे हैं। प्रदीप जी प्रदीप जी आपको यकीन नहीं है कि सरकार ने जो वादे किए वो वादे पूरा कर पाएगी? बाकी जो प्रावधान किए हैं या जो जो घोषणाएं की है वो ठीक की है सरकार ने? जी देखिए, ऐसा है कि कोई भी घोषणा सिर्फ घोषणा तक अगर आप सीमित रखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए किसके लिए क्या घोषणा करी है सरकार ने जिससे आपको लगता है कि उससे बहुत बदलाव आने वाला। ये दिशाहीन बजट है, इसमें कोई सरोकार नहीं है रोजमर्रा। तो आप क्या करते हैं? आप उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं देते क्योंकि वहां पे आपका कांग्रेस अपनी वहां पे आपका इलेक्शन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश को आप कुछ अच्छा, नहीं देते। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई है, आगे बढ़ती बता दिए। एक प्राची जी बहुत एक सवाल पूछ लीजिए, बाढ़ के ऊपर उत्तर प्रदेश को क्या दिया और बाकी प्रदेशों को क्यों दिया ये बता दीजिए। मैं फिर डिबेट को ओपन कर दूंगी। हालांकि सब प्रदेशों कि आप बात कर रहे हैं, इसका जवाब वित्त मंत्री ने भी दिया है कि किसी स्टेट का नाम नहीं लिया तो उसका मतलब नहीं है कि उसको हमने कुछ नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश बाकी आप जिन लोगों पर सबसे ज्यादा नजर लगाए बैठे थे उन दोनों पार्टियों से जरा पूछ लेते हैं। जीएम शाहीन जी आप तो बताइए जरा, डील पक्की हो गई आप लोगों की? आप तो इधर उधर नहीं डामाडोल होंगे आप लोग? अरे प्राची जी, पहले तो आवाज कम आ रही है, दूसरी बात ये कि इनकी मानसिकता देखिए कितनी कमजोर है, इनकी सोच देखिए कितनी नैरो थिंकिंग है इन लोगों की। इतना देश आगे बढ़ रहा है, इतने काम हो रहे हैं देश के अंदर। अब देखिए ना, ये लोग प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों के पास देश इनको चला नहीं, सरकार में है अपोजिशन में बैठे, कुछ तो सोचेंगे ना। अभी देखिए प्रदीप जी भी की क्या गलती, कुछ तो सोचेंगे बैठ के, कुछ तो बोलेंगे ये लोग। अगर ये भी नहीं बोलेंगे तो फिर तो बेकार हो गए ना, बेरोजगार हो गए बेचारे। हम लोग क्या बता रहे हैं कि हम लोग देश को कैसे आगे बढ़े, देश को आगे कैसे बढ़ाए उसकी राह देख रहे, उसके लिए सोच रहे। इन लोगों की मानसिकता यह है कि उत्तर प्रदेश को इतना मिला, बिहार को इतना मिला, हैदराबाद को इतना मिला, कर्नाटक को इतना मिला। मैं देखिए ये लोग जो है दिमाग खोल दे, अभी अभी जो गठबंधन जो हमारा चल रहा है, जो एनडीए गठबंधन मोदी चला रहे हैं इसको। मैं जीएम शाहीन जी आप ही के पास आ रही हूँ, सवाल मेरा यही है, डील अब डन हो गई है? आप तो किसी भी तरीके से सिंहासन के डगमगाने की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना? नहीं, क्यों सिंहासन क्यों डगमगाएगा? देखिए मैं पहले से बता रहा हूं ना कि इन लोगों की परेशानी या मानसिकता ऐसी है, सोचने के लिए कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ये लोग। अगर इतने सारा इतने फंड्स मिल रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रही है पूरी कंट्री के अंदर, तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं आज? हम लोग अगर सड़कें, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन सेंटर, आपको क्या चाहिए? वो डिफेंस में बढ़ा रहे हैं ये लोग, और क्या चाहते हैं कि इनके घरों में डायरेक्ट अकाउंट में भेज दें हम, इनके सेविंग अकाउंट्स में भेजा जाए पैसा, तो इनको तब लगेगा कि हम लोगों का जो बजट बहुत अच्छा था, जो इन्होंने पीछे किया, करप्शन किए, ईडी लगा, सीबीआई लगा। इनकी सोच ऐसी है, मैं प्राची ये बता रहा हूँ कि ये पहली दफा नहीं है, पिछले 15 सालों से बजट आ रहा है हमारे देश के अंदर। और इस बार जो है आपका कोरोना काल के बाद जीडीपी इतना बढ़ रही है, तो और क्या सोच रहे हैं ये लोग? इनकी सोच जा का रही है, तो ये देखना पड़ेगा, ये एक परेशानी का विषय है। और सरकार गिरेगी, सरकार गिरना तय है, ऐसे दावे किए जा रहे थे और ऐसे दावे क्यों किए जा रहे थे? जीएम शाहीन जी आप जानते हैं, आप लोगों पर और ज्योतिरा जी की पार्टी पर सबसे ज्यादा निगाहें सरकार विपक्ष की थी। अब इसी का जवाब ले लेती हूँ। कंचना जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए क्या? दोनों साथियों को जो चाहते थे वो सरकार की तरफ से मिल गया? देखिए अब ज्योत्सना जी को हो सके
अरे जीएम साइन जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जोशना जी को हो सके स्पेशल स्टेटस का दर्जा अब नहीं चाहिए तो अलग बात है, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा कितनी दफा आपके साथ डिबेट किया हूं। सुन लीजिए, स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए, और जो इन्होंने बोला है कि हम ये देंगे, एक्सप्रेसवे देंगे, इतना बजट देंगे, अरे कंचना जी क्यों परेशान हो रही है, इनको जरा म्यूट कर दीजिए, इनको म्यूट कर दीजिए, नहीं तो बुलवा लीजिए, हम बैठे ही रहते हैं, है ना। ये जो रूटीन बजट में जो चीजें होती है, आप उसी को 50 बार नाम लेकर कि हम एक्सप्रेसवे बनाने के पैसे दे रहे हैं, हम इसके पैसे दे रहे हैं, हम उसके पैसे दे रहे हैं, ये रूटीन बजट के पैसे हैं। आप बार बार बिहार का नाम लेकर बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दे दिए, और सबसे अहम बात ये है कि इसके लिए खुद बस सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, कर्ज इन्हीं को लेना पड़ेगा, चाहे ये वर्ल्ड बैंक से पैसे ले, चाहे ये साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे ले, चाहे जहां से पैसे ले, लेकिन पैसे लेने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और ये कर्ज जो है वो केंद्र सरकार में नहीं जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंधे पर है, इसीलिए स्पेशल स्टेटस की जरूरत थी कि जिस पर कार्यभार जो हो वो 90% वो केंद्र की सरकार उसका उठाए, और जो लीगल पॉलिटिकल प्रिविलेज मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज मिले, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस स्टार्ट हो, ये हमारा मोटिव था, लेकिन इन्होंने चंद पैसे लेकर वो भी मिले। अच्छा, यानी कि कंचना जी आप ये मान रही हैं कि सरकार ने, सर कंचना जी आप ये मान रही हैं कि सरकार ने बिहार के साथ बहुत अच्छा नहीं किया, तो आपके सहयोगियों को क्यों बिहार फिर आंखों में चुभ रहा है? बयान तो कई ऐसे सामने आ गए कि ऐसा लग रहा है कि संसद में जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट पेश किया गया हो। समझाइए अपने सहयोगियों को फिर। प्राची, कंचना की परेशानी मैं समझता हूं। कहना ये है जीएम साइन जी, हमारे सहयोगियों का ये कहना है कि 50 बार आंध्र प्रदेश का, 50 बार बिहार का नाम लेने से होलो जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं, जो गुमराह करने का आपने काम किया है, उससे लग रहा था कि आप दोनों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हो। परेशान हो रही है, आज जेडीयू ज्वाइन कर, वहाँ क्या रखा है तुम्हारे तुम्हारे वहाँ पे, अरे क्या रखा है उधर, आजा जेडीयू में, मैं सिफारिश करता हूँ। वो पारित हो चुका है, वो कोई कुछ नया नहीं है, और ऐसे तो जब अच्छा चलिए ठीक है कंचना जी, आपने शायद बयान सुना नहीं, लेकिन लेफ्ट के जो आपके साथी हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि ऐसा लग रहा है कि आज संसद में बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट पेश किया गया, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही थी। जब कुछ मिला नहीं तो कम से कम उनको तो समझा दीजिए, उनके लिए बजट जवाब ले लेती हूँ, बहुत सारे सवाल इकट्ठा होंगे। प्रेम शुक्ला जी एक बार जवाब दे दीजिए, फिर दो अन्य मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊंगी, जवाब दे दीजिए, कुछ दिया नहीं आप लोगों ने, सिर्फ नाम लेने भर से बिहार का कल्याण नहीं होगा? 47,000 करोड़ से अधिक की राशि बिहार के लिए प्रावधान किया गया है। इनसे मैं कंचना जी से पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों तक 2004 से 2014 तक कंचना यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की घटक थी, कितनी राशि ये बिहार के लिए ले आए, और विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस ने इनको क्यों नहीं दिया? लालू प्रसाद यादव जी बहुत प्रभावशाली नेता थे, श्रीमती सोनिया गांधी को जो है वो उनको उनकी सरकार लाने के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन लालू जी का था, लेकिन लालू जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए क्यों नहीं दिलवा पाए, इसका भी उत्तर इनको देना पड़ेगा। और कब जो है बिहार के लिए इतने बड़े पैमाने पर पैकेज कब मिला था, कृपा करके इसका भी जिक्र कर दे। और क्यों नहीं था, लालू जी की जुबान नहीं थी, लालू जी की सुनती नहीं थी, दे दीजिए जवाब। नहीं नहीं, मैं जवाब देने ही वाली थी कि आपने फिर उनको बोल दिया। जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे ना, तो सारण में छपरा में वहां पर 14,000 करोड़ रुपए लेकर गए थे, और उसके बाद जब रूरल मिनिस्टर थे रघुवंश बाबू ना, लगभग 30,000 करोड़ रुपए लेकर गए थे जब मनरेगा स्कीम बनी थी। तो ये जो आवंटित होती है चीजें ना, अगर आपको एक सेकंड, अगर आपको इलेक्ट्रिक रूरल डेवलपमेंट बिहार के लिए 30,000 करोड़ का बजट, क्या झूठ बोला जा रहा है भाई चैनल पे? रूरल डेवलपमेंट जी तो हद हो गई, कितना बजट था मनरेगा का, कुल बजट बता दीजिए क्या? प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अभी आप अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ मनरेगा का 30,000 करोड़, यार चुनौती देता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। कंचना जी, कितना विकास हो गया फिर बिहार का, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि विकास अगर बिहार में हुआ होता तो स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए होता बिहार को, बार बार ना आप कर रहे होते ना जीएम साइन जी कर रहे होते। अब ज्योत्सना जी आपके पास आ रही हूँ, फिर अरविंद जी आपके पास आऊंगी। ज्योत्सना जी, अब तो मैं समझू रिश्ता पक्का है, कोई खटपट नहीं होगी, जो बातें थी आपकी सब मान ली गई है? प्राची जी, इससे पहले कुछ रिश्ता इधर उधर था क्या? आपको लग रहा था क्या ऐसे कुछ? विरोधियों को दिखाई दे रहा था। अब विरोधियों को तो दिखाई देगा, वो तो ऐसे चश्मे पहन के बैठे हैं कि कब कहां कुछ हो जाए हम वहां कूद पड़े। अब विरोधी तो है ही,
करेंगे तो वही वो लोग। अब चलिए उस सब चीजों को बाजू में रख देंगे प्राची जी। अब हम तो पहले से यही बोल रहे हैं कि हम हमारे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई दोराई नहीं है, उसमें हम लोग कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। हम पहले से ये बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए जो जिस तरीके का मतलब जो देखिए आज के तारीख में हमारे कैपिटल को लेके, हमारे यहाँ पोलवरम को लेके, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को लेके जो जो भी हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर केंद्र सरकार ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर हम लोग एक चीज बोल रहे हैं प्राची जी, इन लोगों का मैं तब से जब से ये बजट प्रवेश हुआ ना तब से मैं देख रही हूँ एक एक अनसुनी एक उन लोगों की रोना है। वो रोना क्यों है मुझे पता नहीं चल रहा, अनसुनी है। ये बात तो बोलनी पड़ेगी क्योंकि अब हर चीज बिहार आंध्रा। अरे पिछले 5 साल में आंध्र प्रदेश का जितना नुकसान हुआ है सर हम जानते हैं, उसको हम झेल रहे हैं पिछले 5 साल से। पिछले 10 साल से आंध्र प्रदेश को एक राजधानी नहीं है, वही बात है। थोड़ा सा तो करुणा करो, थोड़ा सा तो एक 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 एम्पैथी दिखाओ, उतना तो बनता है ना प्राची जी। वो भी नहीं, अब पूरा बजट उनको। अब एक चीज है प्राची जी, नेशनल बजट जब यू नो प्रवेश किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर राष्ट्र को ये दे रहे नहीं, कुछ राष्ट्रों को जहां पे ज्योत्सना जी आप कह रही हैं कि इनका रोना निकल रहा है, किशोर तिवारी जी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तिवारी जी आप ही के पार्टी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। अब अगर आंध्र मैं किशोर तिवारी जी एक मिनट आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी जुड़ चुके हैं। हरदीप जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर सवाल मेरा आपसे यही है कि विकसित भारत वाला सवाल बजट है या कुर्सी बचाने वाला बजट? देखिए ये विकसित भारत को की ओर ले जाने वाला बजट है। 10 साल जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है ये उसकी कंटिन्यूटी का बजट है, और इसको ये देखा जाए कि आप 2014 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको फ्रजाइल 5 विश्व भर की इकोनॉमीज में गिना जाता था, वहां से आप लेके इसको आज 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और आज कल IMF ने एक स्टेटमेंट दी है कि 2027 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है विश्व भर में 3रे स्थान पे होगी। तो ये विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है, और उसकी उसका एविडेंस ये है कि अगर आप विमेन सेंटर्ड विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें तो 3 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। आप हमारे रूरल डेवलपमेंट की बात करें 2.66 लाख करोड़ की वहां पे प्रोविजनिंग है। आप जो अगर हमारे युवाओं की बात करें तो 5 साल में 4 करोड़ से अधिक नौकरियों का इंतजाम करने की बात है। 1 करोड़ हमारे जो युवा हैं उनको भारत की टॉप 500 जो कंपनीज हैं उसमें इंटर्नशिप दिलाने का और महीने का 5,000 रुपया देने की बात है। तो ये बहुत इसमें डीप थिंकिंग के बाद ये बजट बनाया गया है फिस्कल कंसोलिडेशन का, और दुनिया में जो इस समय समस्याएं हैं उनको नेविगेट करने के लिए, ये हमें भारत को की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए 2047 की ओर ले जाने के लिए का बजट है। आप कह रहे हैं डीप थिंकिंग वाला बजट है। कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नकलची है, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर अपने बजट में छाप दिया। देखिए आपका ये कहां लिखा हुआ है कि कोई अच्छा आइडिया हो तो 4 अलग लोगों को नहीं हो सकता। आप कांग्रेस पार्टी के नेता जो ऐसी बात करते हैं उनसे ये पूछिए कि चुनाव के दौरान आप क्या कर रहे थे। हम जब अर्थव्यवस्था की और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे ये क्या कहते थे, हम कास्ट सेंसस कराएंगे, पता करेंगे धन और संपत्ति कहाँ है, फिर फटाफट उसको सब में बांट देंगे। एक इनके मेंटर हैं राहुल जी के, उनका नाम है सैम पिट्रोडा, वो तो कह रहे थे भारतीय नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीनी है, कोई अफगानी है, कोई कुछ है। तो ये ऐसी बातें करके ये कैसे कह सकते हैं हमारी मैनिफेस्टो में ये है वो, कंपेयर तो करिए हमने क्या कहा उन्होंने क्या कहा है। इसलिए आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका भी आइडिया कोई आ गया। ये कहां लिखा हुआ है कि बजट के आइडिया सिर्फ हमारे इकोनॉमिस्ट से आने चाहिए, भाजपा से आने चाहिए। अगर कांग्रेस के किसी विद्वान का कोई आइडिया आ गया तो उससे क्या हुआ, कई अच्छे आइडिया होते हैं जो उनके हमने एक्सेप्ट किए, हमें तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है एक्सेप्ट करने में।
हरदीप जी, आपने बिहार को दिल खोलकर पैसे दिए, आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया, अब इस पर भी विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हॉलो प्रॉमिसेस हैं जो इन स्टेट्स के साथ किए गए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2012 में जिसपे हस्ताक्षर हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी तो थी ना, तो उनको क्या इतराज है? हमने किसी एक स्टेट का नहीं किया, हमने पूर्वोदया की बात की, ईस्टर्न स्टेट्स जहां पे भी समस्याएं आई हैं, जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, सिक्किम हुआ, और ऊपर हिमाचल भी, सबको सबके लिए किया। अब इसमें अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई सरकार है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और दूसरी चीज है, अगर हम 3 लाख करोड़ अगर हम देते हैं, 3 लाख करोड़ वेमेन लेड डेवलपमेंट के लिए और 2.66 लाख करोड़ देते हैं, तो हमारी जो महिलाएं देश भर में उनको फायदा होता है। और इनको कहिए तो एक बार बजट को अच्छी तरह पढ़ लें, जैसे वो लाल किताब को घुमाई फिरते थे और सेलोफिन का कवर नहीं उतारा, जब उन्होंने खोल के पढ़ा होगा तो उसमें कई चीजें लिखी जो इनके लिए तकलीफ देने वाली चीजें थी। अगर एक बार बजट को समझ लेंगे, उसके बाद अगर इनको कोई अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो तो हम उनके साथ बैठ के टेक्निकल असिस्टेंस देके उनको समझा सकते हैं कि सबका साथ का, सबके विकास का, सबका सबके लिए बजट है, सारी स्टेट्स के लिए। नहीं, वो दबाव वाला बजट कह रहे हैं कुर्सी बचानी है, इसीलिए अपने दोनों सहयोगियों को खुश किया है बस इस सरकार ने। देखिए उनका कहना कुछ नहीं है, उनको पूछिए आप, जोश तो आप में आया है, हमें बड़ी खुशी है, हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने एक मच्योर ऑपोजिशन खड़ी हो, पर 3 चुनाव दो हैं, 2014, 19 और 24 के मिला के आपकी सीट 200 तक नहीं पहुंचती, अब क्या बात कर रहे हैं। अभी अभी एक प्रतिक्रिया आई है हरदीप पुरी जी, और वो प्रतिक्रिया सामने आई है उद्धव ठाकरे जी की, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू कर दी है। अरे ऐसा है, इनकी कहने की बातें जो है इनके सुनते जाइए, वो मैंने बताया ना, चुनाव के दौरान कह रहे थे हम एक सेंसस करवाएंगे, पता करेंगे कहां धन है, खटाखट उसको बांट देंगे। अभी मेहनत करके भारत की अर्थव्यवस्था को हम तीसरे स्थान तक ले जाएंगे 2027 तक, उसके बाद 2047 की ओर का ये डायरेक्शन है, और वो एकदम आने वाले जो बजट्स होंगे आने वाले समय में, तो आप इनको कहिए कि थोड़ी सी अपना होमवर्क कर लें, बजट को पढ़ लें एक बार। हरदीप पुरी जी, अगर आपसे जानूं तो इस पूरे बजट का कैचिंग पॉइंट क्या है आपके लिहाज से? मेरे बजट का कैप्शन पॉइंट है कि ये 2047 की जो हमारी स्टेयर है उसका ये पहला स्टेप है, ये फील गुड देता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, और हमारे गरीब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन सबको देता है, और इसके लिए ये हमारी अर्थव्यवस्था को ग्लोबल सिचुएशन में और भी फिस्कल कंसोलिडेशन लाके इसको टेक ऑफ कराने वाला बजट है। एक इमीडिएट प्रॉब्लम जो इस देश के सामने है, आम लोगों के सामने है, वो महंगाई, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में भुगतना भी पड़ा, वो मुद्दा केंद्र विपक्ष की तरफ से जरूर उठाया भी गया, क्या एड्रेस हो रही है इस बजट से वो समस्या? देखिए ऐसा है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 5.1 से 4.89 आ गया पिछले इंटरिम बजट से। आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम बाकी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ हमारे कम हुए हैं। बाकी भी आप देखिए, तो सरकार की तरफ से तो यही कोशिश हो सकती है कि पूरा इसका साथ दिया जाए, और अभी रिटेल इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये महंगाई की जो बात है और नौकरियों की बात है। देखिए ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था जब बढ़ती भी है तो कभी कभी वो ब्रिक एंड मोर्टर जॉब्स नहीं होते, पर इस बारी जो एम्फेसिस दिया गया है इंटर्नशिप पे और 4.1 करोड़ जॉब्स क्रिएशन के लिए, उससे ये भी समस्या में अगर कोई कमी रही है वो भी हल हो जाएगी। एक और प्रतिक्रिया है जो आपके विरोधियों से ही सामने आ रही है, अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। अरे ये तो उनके पता नहीं, ये अखिलेश जी के और जिन वर्गों के लिए इन्होंने किया है उसके लिए इतना उनको लाभ मिला, उसी का बोला 9-2-11 हो गया। अभी ये उनको बोलिए कि थोड़ी सी एक बारी बजट पढ़ लें, उसके बाद हम एक सीरियस डिस्कशन उनके साथ करने को तैयार बैठेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, ये बजट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।